सर, मेरे सवाल का जवाब लेकिन नहीं मिला मुझे। शिवराज सिंह चौहान क्या मोदी जी के दिल में है? अभी तक सीएम का चेहरा क्यों घोषित नहीं कर पा रहे हैं? क्या कोई नया प्रयोग होगा? क्योंकि राहुल गांधी आते कहते कि देखिए ओबीसी के मुख्यमंत्री थे, विदाई हो रही है, प्रहलाद पटेल को क्या इसीलिए ले आए कि मामा जी की विदाई कर ले, एक नया प्रयोग हो जाए? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर विगत 20 वर्षों के अंदर जो काम हुआ है, और मोदी जी के मन में तो सभी लोग हैं और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर काम करने वाला नेतृत्व है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामूहिक नेतृत्व पर काम करने वाला संगठन है। इसलिए मोदी जी के मन में तो सभी लोग हैं, उनके मन में कोई ये थोड़ी हो सकता है। इसलिए मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश को जो ताकत दी है, जो मैंने कहा, अगर उनके मन में है तो विकास और गरीब कल्याण है। अच्छा, जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने, बूथ विस्तारक अभियान एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया, और ये बातें भी निकलकर सामने आई कि नई ऑयलिंग की जरूरत थी, मशीनरी को एक नई ऊर्जा देनी थी, संगठन की आप पहली पसंद थे और इसीलिए आपको लाया गया। क्या इस वक्त पैरेलली दो बीजेपी काम करी है, एक शिवराज की बीजेपी, एक वीडी शर्मा जी की बीजेपी? नहीं, ऐसा तो कभी न होता है न कभी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते से ही काम करते हैं। और जहां तक आपने बूथ विस्तारक अभियान, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र को पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश ने आईडीडी जो काम किया कि 64,523 बूथों को हमने नई तकनीक से युक्त होकर के डिजिटली इनरोल्ड करके पूरे मध्य प्रदेश के, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर 41 लाख कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी के नाते से खड़ा है और कांग्रेस के झूठ और छल कपट की राजनीति को जवाब देने के लिए तैयार मैदान में उतरा है, तो उस बूथ को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने ताकत के साथ किया है। और आज अगर मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश को इसलिए चुना, मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में 10 लाख बूथों से वो मध्य प्रदेश से जुड़े थे। मध्य प्रदेश में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संवाद किया था, तो उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही संकल्प दिया था और वो संकल्प था, हम चुनाव तो जीते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य है 50% से ऊपर मत प्राप्त करना। हर बूथ पर 50% से ऊपर हम मत कैसे प्राप्त करेंगे और हर बूथ पर चुनाव कैसे जीतेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है, ये चुनाव बूथ पर लड़ने का हमारा संकल्प है कि ये जो चुनाव होगा ये चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा, और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कार्यकर्ता है वो ताकत और मैदान के साथ उतरा है। उसमें बूथ विस्तारक योजना की, बूथ सशक्तिकरण के अभियान की सबसे बड़ी भूमिका है और एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर के मैदान में खड़ा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।